घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली। नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। ऐसा लगता है सुरेंद्र जी जैसे वो आजकल की याददाश्त को भूलकर अपने बचपन में वापस चले गए। आपका मतलब ये है कि अब ये केस एक साइकियाट्रिस्ट का है? मम्मी जी, कुटी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे, अपने आप से। अब देखिए आगे। तुम्हारे कहने का मतलब है गुड्डी अपने बचपन में चली गई है और उसके ठीक होने के चांसेस 50-50 है? पक्का तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मलकानी के चेकअप के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक हमें गुड्डी को हर हालत में खुश रखना है। सूर्या, डॉक्टर मलकानी का अपॉइंटमेंट तो मिल गया है ना? हाँ हरी, मैं सुखदेव अंकल, दलजीत आंटी गुड्डी को लेकर आज दोपहर को डॉक्टर मलकानी के पास जाएंगे। सूर्या, गुड्डी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ पूछो। गुड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें उसका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखना होगा जैसे डॉक्टर मलकानी कहेंगे। हाँ सूर्या, हमें बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे डॉक्टर मलकानी ने कहना है। हाँ, और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना है कि वो नॉर्मल नहीं है। उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी है। रब करे गुड्डी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ मुन्नी, गुड्डी को जल्द से जल्द ठीक होना ही पड़ेगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उसे ठीक करने के लिए। गुड्डी को जल्द से जल्द होश में आना पड़ेगा। मेरी दुनिया तो गुड्डी से शुरू होकर पर ही खत्म हो जाती है। जाओ वरना गिर जाओगी। हाँ गुड्डी, तेरे को चोट लग जाएगी यार, नीचे आ जा। हाँ फ्रेंड, तुम भी गुल्लू की तरह डरपोक हो, तुम्हें भी पेड़ पे चढ़ना नहीं आता क्या? गुड्डी पहले तुम नीचे आ जाओ, फिर हम सब मिलकर खेलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, गुड्डी गुड्डी जल्दी नीचे आ जाओ, फिर ना हम सांपों खेलेंगे, पिट्ठू खेलेंगे। हाँ प्लीज नीचे आ जाओ। तुम दोनों तो चुप ही रहो, जब देखो ना तुम ये फ्रेंड और गुल्लू के साथ ही बातें करती रहती हो, मेरे साथ तो खेलती भी नहीं हो तुम। मैं कट्टी हूँ तुमसे, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। कट्टी हरिवीर, मैं आपको पेड़ पे खड़ा होके दिखाऊं? नहीं, देख गुड्डी, तेरे को मेरी कसम है नीचे आ जा, देख नहीं तो हम सारे ना तेरे से कट्टी हो जाएंगे। प्लीज। हाँ कट्टी, अच्छा तो ध्यान से। गुड्डी
ना गिरा ना मैं। गुड्डी, गुड्डी क्या कर रही बेटा ऊपर? नीचे आ। भाई गुड्डी, बेटा चल नीचे जा। बेटे मैंने आपको मना किया था ना पेड़ पे चढ़ने के लिए, हैं? जी पापा। अच्छा, शाबाश बेटा मैं। अच्छा अच्छा। संभाल के ओए, संभाल बेटा, संभाल गिरेगी। ओए संभाल के बेटा, गमला टूट जाएगा, संभाल के। इधर इधर वो तो कहाँ चढ़ गई थी पेड़ के ऊपर? पापा आपको पता है ये ना कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहे थे, इसलिए मैं पेड़ पे चढ़ गया था। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं खेल रहे हैं पापा, है ना? पापा खेलेगा, चल बोल क्या खेलना है, चल। आप खेलोगे मेरे साथ? हाँ खेलना है, चल बोल। घोड़ा बनोगे? घोड़ा बनना बनना, प्लीज 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 बनना। हाँ भाई हाँ बनता हूँ, चल ठीक है। चलो 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 जल्दी। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, देखे दम पे जमा रहा दौड़ा 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 दम पे जाकर दौड़ा। चल इधर 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 उधर उधर, चल चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक। थैंक यू मामा। दलजीत, दलजीत, गुड्डी को दोपहर को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं ना? फिर क्यों रो रही है? चुप हो जा। बहुत रोकने की कोशिश कर रही हूँ पर जाई जी, पर ये क्या हो गया? ये क्या हो? दलजीत संभाल अपने आप को। अरे तुझे तो गुड्डी की दिमागी हालत पता है ना? और गुड्डी ने तेरे को इस तरीके से रोते हुए देखा तो उसे तो सवालों की बौछार कर देनी है। हाँ दलजीत, पता है ना बचपन में तेरे से कितने सवाल पूछती थी वो? मेरे को पता है परजाई जी, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। गुड्डी की हालत। मम्मी जी, आप रो क्यों रहे हो? अरे नहीं पुत्र, मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं, मैंने अभी अभी तो देखा है, आप इतने जोर जोर से रो रहे थे, क्या हो गया मम्मी जी आपको, क्यों रो रहे हो? पुत्र रोए नहीं तो क्या करे तेरी मम्मी, तू उसकी कोई बात मानती है? तेरे को तेरी मम्मी ने दूध पीने को बोला था, तूने नहीं पिया ना, बस बहाना करके चली गई। ताई जी, आप मम्मी जी को बोलो ना कि मैंने ना अब हमेशा दूध पीना है, और वो मैं ना गट गट करके दूध पी जाऊंगा, सारे कहने मानूंगा मम्मी के। आप बोलो ना मम्मी जी को, प्लीज बोलो ना। अच्छा बच्चा, देख देख, बुड्ढी ने माफी मांग ली है ना, वो तेरा कहना मानेगी, माफ कर देना दलजीत उसे। शानी ताई जी, है ना
अम्मी जी से बोलो कि 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 मैं पेड़ पे भी नहीं चढ़ूंगा और वो जो कहेंगी ना मैं सब मानूंगा, लेकिन लेकिन उनको बोलो ना कि वो रोए नहीं, बोलो ना। हाँ बच्चा, ओए दलजीत छोड़ ना आप ये नाराजगी है, बस अब बंद कर रोना। देख कुड़ी माफी मांग रही है। सॉरी दलजीत, देख ना गुटी ने कान पकड़ के सॉरी भी बोल दिया, अब तो माफ कर देना उसे। अच्छा पुत्र। मम्मी जी, मम्मी पास जाके। अब मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा और आपके सारे कहने मानूंगा, बस अब रोना मत, मम्मी मत रोना प्लीज। नहीं रोऊंगी पुत्र, नहीं रोऊंगी मेरा बच्चा। मम्मी आप पापा को समझाओ ना, मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो कन्ना उन्हें मुझे फंसाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। चुप चुप कर बेशरम कहेगा, बाकी सारे गलत हैं। सबको कोई और काम तो है नहीं सिवाय तेरे को फंसाने के, नालायक कहेगा। एक तो वो पहले इतना परेशान है, ऊपर से आप ही उसको डांटते जा रहे हो। मधु तू ना चुप कर, अपना सुपकना बंद कर। तेरे इसी लाड़ प्यार ने ना इसे नालायक बना दिया है। अब सड़ने दे इसे इसी जेल में 5-7 साल तक, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। नहीं बाबा जी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यहाँ दम घुटता है, प्लीज मुझे बाहर निकालो प्लीज। अरे चुप कर बेशरम, यहाँ आने से पहले ना मैं और तेरी माँ ना इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आए, उन्होंने तेरे और तेरे नालायक दोस्तों की सारी करतूतें बता दी, सब पता चल गया हमें। अब तू सड़ता रहा इसी जेल में, समझा? मैंने इस बार तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं तेरे लिए इस बार। मम्मी जी आप ही पापा को समझाओ ना प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो देखना मैं एक दिन घुट घुट के यहीं मर जाऊंगा, प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। ओए तू कर ले जितने ड्रामे करने हैं, तेरे इन ड्रामों का ना मेरे ऊपर इस बार कोई असर नहीं होने वाला, समझा तू? मधु मैं बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आ जाना। और हाँ, तू ना इस बार इसी जेल में सड़ता रहेगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला हूं। तेरी जैसी नालायक औलाद से ना बिना औलाद का होना ज्यादा अच्छा है, नालायक। पापा, मम्मी आप भी कुछ करो प्लीज, मैं यहां मर जाऊंगा प्लीज। तू चिंता मत कर, मौका मिलते ही मैं तेरे पापा से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, बस तू अपना ध्यान रखियो, ठीक है? पर मुझे खेलना नहीं आता है। ले खेलना नहीं आता, प्लीज खेलो खेलो। अच्छा 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 मैं खेलता हूँ, लेकिन अगर मैं आउट हो गया ना तो वादा करो तुम लोग में से कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं उड़ाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे हम नहीं चढ़ाएंगे,
चढ़ाएंगे अब? हाँ, हम नहीं चढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं। पर खेलते कैसे? सूर्या, हर बॉक्स में ये ठिकरी एक बार डालनी है। अगर उस बॉक्स को क्रॉस करकर बाहर चली गई तो तुम आउट हो जाओगे। टिकरी अगर उस बॉक्स से बाहर चलेगी तो मैं आउट। हाँ अच्छा। और हाँ, अपना पैर संभाल कर लाइन पर रखोगे तो भी आउट हो जाओगे। ओ पापा जी, इसे आउट कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, आज ना सबको आउट कर दो ताकि ताकि ना मैं जीत जाऊं। प्लीज प्लीज प्लीज, 100 times प्लीज। चलो भाई खेलते। चलो कम ऑन सूर्या। पापा जी, अभी ये गिरने वाला था ना, फिर गिरा क्यों नहीं? बच गया। चीयर करो यार थोड़ा। सूर्या 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 इधर गुड्डी, तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो तुम मुझे चिढ़ाओगी नहीं। वो तो मैंने झूठ बोला था। चलो मेरी मम्मी जी को बता कर आ दो कि मैं जीत गई, ठीक है? डॉक्टर मलकानी। भाई सुखे, ये डॉक्टर मलकानी का नाम तो मैंने भी सुना है यार, पर तो चिंता क्यों करता है? ओए डॉक्टर मलकानी से कोई ना कोई जान पहचान तो मैंने निकाल ही लेनी है। वो सेठी साहब अपने ये हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर मलकानी थोड़े महंगे डॉक्टर हैं। मैं ये सोच रहा था कि बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दे दूं, पैसों की जरूरत पड़ सकती है ना जी। ओए सुखे, तू ये दिल दुखाने वाली बात क्यों करता है? फिलहाल तुझे कोई लोन शोन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बैंक में काफी पैसा है, उसे मैंने चाटना है, वो किस दिन काम में आएगा। वो तो नहीं, लेकिन फिर भी जी वो। और हाँ सुखे, गुड्डी का इलाज भी पैसों के लिए नहीं रुकना चाहिए, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सारा देने को तैयार हूँ। वो तू ऐसे क्या देख रहा है? यही सोच रहा है ना कि कल तक एक दमड़ी ना खर्चने वाला जितेंद्र खन्ना आज अपना सब कुछ देने को क्यों तैयार हो गया? ओ वीर जी, समझाओ इस खोते को। ओए जब अपने बच्चों पे विपता आती है ना तो माँ बाप पैसों का मुंह नहीं देखते, बात करता है। ओए सुखे, जतिंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू ना चिंता बिल्कुल ना करी और हिचकिचाना तो बिल्कुल भी मत सुरेंद्र वीर जी से, जतिंदर से और मेरे से पैसे लेने में, ठीक है? थैंक यू सर। और मैंने कहा ना, मैंने डॉक्टर मलकानी से कोई ना कोई जान पहचान जरूर निकाल लेनी है, तो तू देखना उसने हमें कुछ ना कुछ कंसेशन जरूर दे देना है। तू इस वक्त पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर, गुड्डी के इलाज पे पूरा पूरा ध्यान लगा, ठीक है? जी सर। और जी, वो पुलिस इंस्पेक्टर से भी मैंने बात कर ली थी, मैंने उसे बता दिया कि भाई गुड्डी का इलाज चल रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट में बयान देना उसका मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर मलकानी की रिपोर्ट जो है वो हमारे काम आ सकती है। तो तू एक काम करना, गुड्डी के चेकअप के बाद में ना उनसे उनकी एनालिसिस रिपोर्ट जरूर ले लेना, ठीक है? हाँ जी, वो जैसे इलाज शुरू हो जाए ना फिर मैंने सारी रिपोर्ट्स भी ले लेनी है। हाँ सुखे, अब इस तीश को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 5-7 साल तो उसको जेल में चक्की पिसवानी है। बख्शने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसे। और इस बार अगर उस लड़के के बाप ने अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगाया ना तो भी हमने लड़के को रिहा नहीं होने देना। हाँ जी वीर जी, बिल्कुल जी, चिंता ना कर, अब ठीक हो जाएगा, पैसे का सोचना नहीं कदे भी।
तेज, इस बार तूने हम दोनों को बेमौत मरवा दिया यार। और हाँ, यहाँ का इंस्पेक्टर है ना, बहुत ही कड़क है, जब भी मिलता है एक दो थप्पड़ रसीद कर देता है। चले थे मौज मस्ती करने और यहाँ पड़े सड़ रहे हैं। ए, बंद कर, मेरा दिमाग खाने के अलावा तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? अरे मैंने कहा ना, मेरा बाप पानी की तरह पैसा बहा देगा, रिलैक्स। यही बाप ना जो थोड़ी देर पहले अपना पल्ला झाड़ के गया। और हाँ, साफ साफ कहकर गया है कि इस बार तुम अपनी सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ और उससे कुछ उम्मीद मत करना। तुम दोनों उल्लू नहीं, उल्लू के पट्टे हो। क्या हो? उल्लू के पट्टे। अबे जिस बाप का बेटा ऐसी हरकत करेगा तो वो बाप थोड़ा बहुत तो नाराज होगा। तो वो नाराज हुआ और चला गया। अब तुम देखना कैसे मेरी माँ ने हाथ पांव धोकर मेरे बाप के पीछे पड़ जाना है। और फिर दो चार दिन में ही मेरे बाप ने सीधा लाइन पे आ जाना, देखना तुम। ओए, मुझे नहीं लगता कि तेरा बाप आएगा और ये सब होगा। तेरे लगने या ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? अरे मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम दोनों ये बात मत भूलो कि मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ और अब तो उसे मुझे यहाँ से निकाल कर ही चैन लेना है, समझे? ऐसे ही नहीं, मैं अपनी माँ के सामने रोने का नाटक कर रहा था, पूरी तरह से इमोशनल करके भेजा मैंने अपनी माँ को। और अब तक तो मेरी माँ ने मेरे बाप का सर पूरी तरह खाना शुरू कर दिया होगा, बोलती होगी, सुनो जी, तुम तो मेरे लाडले सतीश को जेल से निकालो प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात का? सबूत दिखाओ। कैसा सबूत? हाँ दिखा दिखा दिखा, सबूत दिखा। ये देखो, नोटों का बंडल। तुम्हें पता चला? मेरी माँ देखी गई। अब तुम चिंता मत करो, हम तीनों कुछ ही दिनों में यहाँ से फुर, समझ में आया? जब तक यहाँ है इस पैसे से करेंगे हम ऐश, होटल का बाहर का खाना और अपनी, समझो। लेकिन सतीश, यहाँ का इंस्पेक्टर बहुत ही खड़ूस है, बाहर का खाना अलाउड नहीं करेगा। अरे होड़ दे उसको कड़क, पैसे में बड़ी ताकत होती है बाबू, किसी ना किसी कांस्टेबल को तो पट्टी जाना है, अपने लिए रोज होटल से और अपनी ऐश की चीजें और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। इसलिए बोलता हूँ, बोले तो मत। ओ हवलदार भाई, रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में, आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली। कली मेरी लाडली।